वेलकम टू अर्पिता चक्रवर्ती हैंड फैब्रिक आर्टिस्ट। आज इस वीडियो में देखिएगा हैंड पेंटेड दुपट्टा जो कि एप्लिक वर्क में करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले दो साड़ी का फॉल लिया है। जी हाँ, साड़ी का फॉल लिया है क्योंकि मैं ये बहुत ही कम प्राइस में करने वाली हूँ, इसलिए मैंने कपड़ा नहीं साड़ी का फॉल खरीदा था। तो इसी से मैं एप्लिक कट करके फीस बनाऊंगी। आप लोग देख रहे हैं मैंने वो फीस का एक ड्रॉ कर लिया है, वो आप लोग को बताने के लिए मैंने किया है कि एक सिंपल सा फीस का कट करूंगी। तो मैं फॉल्स को फोल्ड करके इस तरह करके रखी हूँ ताकि मैं एक बार में ही सारी फीस कट कर लूँ। मेज़र कर रही हूँ कि कितना बड़े साइज में मुझे फीस करना है, तो आप लोग भी कीजिएगा। आप लोग इसको ट्रेस भी कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही फ्री हैंड फीस बनाऊंगी। तो मैं देखिए फॉल की एक कॉर्नर में फीस कर रही हूँ क्योंकि जितना कपड़ा बचता है मैं उसको बाद में कुछ आइडिया लगाऊंगी कि उससे क्या कर सकती हूँ। उसके बाद फिर कट कर लीजिए। कट करने के बाद देखिए फीस कट करके आ गया है, बहुत सारी पीसेज हैं। तो मैंने पहले एक ही फॉल यूज़ किया है, देख लेती हूँ इसमें अगर हो जाता है। ये देखिए मेरी एक बहुत ही पुरानी साड़ी थी, उसको उसकी जो बॉर्डर है जो पार होती है उसको मैंने कट करके निकाल दिया है। ये एकदम प्योर कॉटन का निकल के आ गया है। अब मैं पॉइंट आउट कर चुकी हूँ और फैब्रिक ग्लू के मदद से मैंने एप्लिक पे इस तरह से लगा के इसको चिपका दूँगी। थोड़ी थोड़ी दूरी पे चिपकाऊँगी एक एक, देखिए इस तरह से। आप लोग देख रहे हैं कि वो जो मैं दुपट्टा निकाली हूँ उसका बॉर्डर एकदम प्लेन सा है, इस तरह से देखिए। फिर एक लाइन होने के बाद फिर दो फीस के बीच में एक इस तरह करके मैं एप्लिक को चिपका दूँगी। अब मैं स्टिच कर लूँगी। आप लोग हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं, मैंने मशीन से किया हुआ है। देखिए ये रेड कलर की ये से धागे से की हूँ। और अगर आप लोग कोई इस तरह से वाइट कलर या कुछ मतलब ऑपोजिट कलर से कर रहे हैं तो उसको फिर आप लोग कलर भी कर सकते हैं, रेड कलर उसके ऊपर कलर कर दीजिएगा तो फिर छिप जाएगा। देखिए मेरा एप्लिक वर्क का काम जो कि है कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही इजी है जो कि ये वर्क मतलब आप लोग भी कर सकते हैं। जिन लोगों को मतलब बहुत तकलीफ़ होती है पेंटिंग वगैरह करने में, बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन निकलेगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर है मैंने वो फॉल्स के साइड से निकाला है, इसलिए मैंने किनारे से फीस को कट किया था ताकि वो जो एक साइड से एक 3 या 4 इंच का एक कपड़ा निकल के आता है उसी से मैंने इसके चारों बॉर्डर बना लिया है। देखिए फेविकॉल का एक खाली सा डिब्बा है जिसके अंदर मैं वाइट कलर को डालूंगी क्योंकि मेरे पास लिक्विड एम्ब्रॉयडरी कलर नहीं था और उसका बॉटल भी नहीं था, तो इसलिए मैंने फेविकॉल का ये लिया है। हाँ, इससे थोड़ा सा मोटा कलर निकलेगा लेकिन मुझे मोटा ही चाहिए था क्योंकि इसकी जो कॉर्नर है फीस की एप्लिक की उसको मुझे कवर करना था। इस तरह से कवर करते हुए मैंने आउटलाइन कर रही हूँ। देखिए किस तरह से लिक्विड एम्ब्रॉयडरी घर पे ही बन गई मेरी और बहुत इजीली चल रही है और बहुत ही जल्दी से काम हो जाता है। तो मैंने फीस को इस तरह से डिज़ाइन कर लिया। सारी फीस इस तरह से रेडी होने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है दुपट्टा, देखिए इस तरह से। अब मैं फीस के जो बीच में जो जगह है उसके देखिए दोनों फीस के बीच में जो जगह है इस तरह से मैं स्पाइरल डिज़ाइन करने वाली हूँ। पूरे दुपट्टे में इस तरह से स्पाइरल डिज़ाइन करूँगी। बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी ये दुपट्टा तैयार होके रेडी हो गया है।
देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अब ये जो सिल्वर सीक्वेंस है बड़ी वाली, उसको मैं लेके इस स्पाइरल डिज़ाइन के बीच में चिपका दूंगी। उसके बाद मैं इसको हाथ से स्टिच कर लूँगी। मैं हमेशा हैंड पेंटेड करती हूँ, पीछे कुछ रख के तो उसके ऊपर डिज़ाइन निकल ऊपर आ रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा दोस्त। तो मेरा दुपट्टा रेडी हो गया है, देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।